सभी को नमस्कार। आज यहाँ मैं आप सभी से कोरोना को लेकर जो भारतवर्ष में पूरे अफरा तफरी मची है, जो सन्नाटा का माहौल है चारों तरफ, कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कर्फ्यू लागू है, उसको लेकर मैं आप सबसे बात करने चाह रहा हूँ। बात ये करनी है मुझे कि इस कर्फ्यू में कई तरह की ज़रूरतें लोगों को हो रही है, मेडिकल से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, और भी कई तरह की चीज़ें हैं लाइफ में। लेकिन जैसे ही रोड पर हम आ रहे हैं, कुछ को छोड़ कर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि जो पुलिस प्रशासन रवैया कर रही है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस को बस मौका मिलना चाहिए हाथ साफ करने के लिए। मैं सभी पर लागू नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ, ना तो मैं कोई आलोचना कर रहा हूँ, एक विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो जानबूझकर निकल रहे हैं, बिना कारण के निकल रहे हैं, और जो माहौल खराब कर रहे हैं, जो इस महामारी को फैलाने में कहीं ना कहीं अनजाने अनजाने में कदम उठा रहे हैं, उनके साथ सख्ती से, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आप कदम उठाएं। राह चलते किसी को भी अब बिना पूछे, मैं कई वीडियोस देख रहा हूं, बिना पूछे आप उन्हें मार दे रहे हैं। अब हाथ पीछे लगने पर हाथ पे चोट लग रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मुझे किसी पुलिस के द्वारा इस तरह से मारा गया या फिर और कुछ किया गया, क्योंकि मैं बिल्कुल जो कर्फ्यू का आग्रह, जो कर्फ्यू का आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया, उसका पूरा सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए उसे फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में हूँ, क्योंकि मैं घर नहीं जा सका, और यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे यहाँ पर रखे हुए हैं, हमारे जैसे कई विद्यार्थियों को यहाँ पर पनाह दिए हुए हैं, और हम सभी फॉलो कर रहे हैं, हम सभी बिल्कुल रोड पर नहीं जा रहे हैं। कुछ भी आवश्यकता हो रही है तो कोई एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वाहन के माध्यम से लिस्ट देकर वहाँ से हम सामान मंगा रहे हैं। लेकिन जिनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो क्या वो मर जाए? मैं एक महीने का राशन, या फिर मैं यानी कि कोई एक ऐसा आम गरीब व्यक्ति जो एक महीने का राशन एक बार में खरीदने में सक्षम नहीं है या नहीं हो पाया, तो क्या वो रोड पर निकल कर राशन लेने की वजह या बजाय रूम में दम तोड़ दे, घर पर दम तोड़ दे? पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई वीडियो ऐसे भी मैंने देखे जहां पर वो गाना गाकर, उन्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर कुछ सामान देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें जीवन संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दरनगी वाले वीडियो देखे जहां हाथ साफ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ एक बात ये कि आप ठीक है उन्हें मार रहे हैं, तो क्या उसके चेहरे पर लिखा है कि उसे कोरोना नहीं है? मान लीजिए अगर उसे हुआ तो एक डंडे को आप फिर कितने जगह पर आप प्रयोग कर रहे हैं, उन सबको आप फैला रहे हैं। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात हुई है, तो वो यहाँ लागू नहीं होता है क्या? क्या एक बार डंडे मारने के बाद आप सैनिटाइज करते हैं उसे? तो थोड़ा सा समझदारी के साथ, पढ़े लिखे आप भी हैं, ऐसे ही आप बहाल नहीं हो गए हैं, तो अपने अंदर भी झांक कर देखिए। ऐसे लोगों को आप टारगेट कीजिए ना, जो जानबूझकर निकल रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आम जन भी पिस रहा है, डर के अंदर कारण, खौफ के कारण वो घर के अंदर है, जो ज़रूरत के सामान है उसको भी नहीं ला पा रहा है। अब रोज़मर्रा की ज़रूरत, मान लीजिए घर में बच्चा है, उसको दूध की ज़रूरत है, क्या वो दूध लाने बाहर ना जाए? राशन खत्म हो गया तो क्या राशन का सामान लाने ना जाए? आलू खा खा के पक गए हैं, अगर मार्केट में सब्जियां मिल रही है तो किसके लिए मिल रही है, कैसे मिल रही है? उन्हें लेने तो जाएगा ही। तो हाथ साफ करने की जगह हालात को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी मानकर सहायता कीजिए, उन्हें बताइए क्या करें और क्या ना करें। इस वक्त आपके डंडे की जगह उनको जानकारी की जरूरत है। जो कम्युनिटी में वो रह रहे हैं, वहां पर कम्युनिकेशन गैप ना हो सरकार और जनता के बीच, उन सब के बीच आपको एक पुल की तरह
रहने की जरूरत है, तभी जाके इस महामारी से हम दूर निकल पाएंगे, इस महामारी को मात दे पाएंगे। नहीं तो बात वहीं आएंगी, 21 दिन के बाद वो ऐसा महसूस करेंगे कि किस जेल में हमें पैक कर दिया गया है, वो सब टूट पड़ेंगे। और जब ऐसा होगा तो आप सोचिए फिर क्या होगा। तो हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आग्रह है इस देश की आवाम से, इस देश की जनता से और भारतवर्ष के पुलिस प्रशासन से कि आप दोनों अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को समझें और वर्तमान की परिस्थिति को समझें। आप बेवजह घर से बाहर ना निकले और आप बेवजह यूं ही हाथ साफ करने के लिए डंडे ना बरसाएं। अगर सोशल डिस्टेंस की बात की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, तो वो हर जगह लागू होता है, आपके डंडे पर भी लागू होता है और उनके घर से बाहर निकलने पर भी लागू होता है। तो ये छोटी सी विनती भरी संदेश या विनती भरा संदेश आप सबके लिए, तमाम देशवासियों के लिए। मूलतः मैं जमुई बिहार से हूँ और वर्तमान में वर्धा महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। देश के प्रति आदर है, सद्भाव है और वो हमेशा रहेगा। और सेवा परमो धर्म का आदर्श का जो भाव है वो हमेशा से फॉलो करता हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नाम गौरव है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ, पुलिस प्रशासन तक पहुँचाएँ और आवाम तक पहुँचाएँ। हमारा प्यार, हमारा प्रेम, हमारा प्रणाम उन सभी तक भेजें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।